आज तो मुझे हर हाल में चोरी करनी ही होगी। अगर आज मैं चोरी नहीं कर पाया तो घर लौटने के बाद बीबी जम कर कुटाई करेगी। चलो इसी सामने वाले घर में आज चोरी करते हैं। बेटा, तुम देखने से किसी अच्छे घर के लगते हो। लगता है किसी परेशानी से मजबूर होकर इस रास्ते पर लग गए हो। चलो कोई बात नहीं, अलमारी के तीसरे बक्से में एक तिजोरी है, इसमें का सारा माल तुम चुपचाप ले जाना, मगर पहले मेरे पास आकर बैठो। ये बुढ़िया तो साफ दिल की दिखाई दे रही है। जब इसने मुझे सारे धन का पता बता ही दिया है तो इसके पास दो मिनट बैठने में क्या हर्ज है। चलो इसकी बात भी सुन लेता हूँ। देख बुढ़िया, मैं बहुत बड़ा चोर हूँ, मुझसे डरो। चलो ठीक है, तुमने मुझे अपने पास क्यों बैठाया बताओ। मैं आ गया हूँ, तुम्हारे पास बैठ गया हूँ, अब बोलो क्या कहना चाहती हो। अरे बेटा, मैंने अभी अभी एक ख्वाब देखा है, वह सुनकर जरा मुझे इसका मतलब तो बता दो। बेटा, मैंने देखा कि मैं एक रेगिस्तान में खो गई हूँ। ऐसे में एक चील मेरे पास आई और उसने तीन बार जोर जोर से बोला, पंकज पंकज पंकज। बस फिर ख्वाब खत्म हो गया और मेरी आँख खुल गई। जरा बताओ तो इसका क्या मतलब हुआ। अजी सुनते हो, माँ जी तुम्हारा नाम लेकर बाहर जोर जोर से चिल्ला रही हैं। जरा जाकर तो देखो बाहर क्या काम है। ठीक है डार्लिंग, तुम परेशान मत हो, मैं बाहर जाकर अभी देख कर आता हूँ। ओके। क्या हुआ माँ जी, ये कौन है जो तुम्हारे पास में बैठा है और फिर मेरा नाम जोर जोर से क्यों बुला रही हो। कुछ नहीं बेटा, एक बेवकूफ चोर है, तुम्हारी बूढ़ी माँ के चक्कर में फंस गया है। तब तो फिर इसकी पिटाई बहुत जरूरी है। अरे बस करो बेटा, अब इसके कर्मों का फल इसे मिल गया है, जाने दो अभी से। नहीं नहीं, मारो मुझे और मारो सालों, और मारो मुझे। कम से कम मुझे पता तो चलेगा कि मैं एक चोर हूँ, सपनों का सौदागर नहीं।